अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बना रहे हैं लोडेड फ्राइज। यहाँ फ्राइज को मैंने पानी में डिप कर दिया एक घंटा पहले। ये मैंने इसमें दूसरा पानी चेंज कर दिया है और अब इसे करेंगे हम अच्छे से बॉयल। यहाँ पानी गर्म हो चुका है, इसमें मैं डाल रही हूँ। बस इन्हें सिर्फ 7 मिनट तक हम इस पानी में बॉयल करेंगे। जब तक चिप्स बॉईल हो रहे हैं हम चिकन को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है, इसमें ये चिकन डाल देते हैं। डाल देते हैं 1 टीस्पून नमक। चिकन को हमने बहुत छोटा छोटा कट किया है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, गल जाए अच्छे से। यहाँ इन्हें भी टाइम पूरा हो चुका है, इन्हें मैं निकाल कर टावल पर डालती हूँ ताकि ठंडे हो जाएं। चिकन को हमने फ्राई करके साइड पे निकाल लिया है। फ्राइज को 7 मिनट तक बॉईल करके हमने टावल पर निकाल दिया। अब ये अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, अब इन्हें करते हैं फ्राई। और यहाँ फ्राइज को हम डालते हैं फ्राई के लिए। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। मैंने हाफ डाले हैं, हाफ बाद में डालेंगे, इकट्ठे डालेंगे तो अच्छे से फ्राई नहीं होंगे, इसलिए 2 टाइम में। जी, इन पे बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, अच्छे से कुक भी हो चुके हैं, तो इन्हें मैं निकाल लेती हूँ। इसी तरह बाकी भी फ्राई कर लेते हैं। इन्हें भी गोल्डन होने तक कुक होने देते हैं। ये भी अच्छे से कुक हो चुके और कलर भी बहुत अच्छा आ गया है, इन्हें भी निकाल लेते हैं। फ्राइज रेडी हो चुके हैं। इन फ्राइज पे मैं डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर और इन सब को करेंगे अच्छे से मिक्स। जी तो फ्राइज हो गए डन। अब चलते हैं इसकी सॉस की तरफ। जी तो सॉस से पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 शिमला मिर्च। इसमें जाती नहीं है लेकिन मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं थोड़ी सी शिमला मिर्च भी ऐड कर रही हूँ। तो इसको हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। वैसे तो शिमला मिर्च कुक किए बगैर भी खाई जा सकती है बहुत मज़े से। बस इतना ही कुक करना है, इसे निकाल लेती हूँ। इसी पैन में हम डाल रहे हैं बटर 1 टेबलस्पून, तो इसमें डाल रहे हैं मैदा 1 टेबलस्पून। अच्छे से फ्राई करेंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे दूध। वन टीस्पून में लहसुन पाउडर और 1 टीस्पून ही काली मिर्च। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें क्रीम डाल दी है। मैंने पैकेट वाली यूज की है, आप फ्रेश यूज करना चाहते हैं तो फ्रेश भी डाल सकते हैं। सॉस रेडी है, बस इससे ज़्यादा थिक नहीं करेंगे। फ्लेम को करते हैं ऑफ और अब इसमें बहुत मज़े की सॉस जाने वाली है, स्वीट चिली सॉस। ये बहुत यमी सॉस है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून।
अब इन पे डाल देते हैं चिकन, फ्राई शिमला मिर्च डाल देते हैं। अब डाल देते हैं इस पे सॉस, सारी तरफ फैला दिया। अब डाल देते हैं इस पे चीज, इसमें डाल रही हूँ बेबी कुकम्बर। और अब इस पे डालेंगे थाइम, ओरिगैनो, और अब इसे रखते हैं माइक्रोवेव में 10 मिनट के लिए। जी फ्रेंड, तो मज़ेदार से फ्राइज हमारे बिल्कुल रेडी हैं। बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी हैं। और इसके साथ ही आपसे चाहूँगी इजाज़त, इस शेयर के साथ, कुछ हम भी थक गए हैं उसे ढूंढते हुए, कुछ ज़िंदगी के पास मोहलत भी नहीं रही, उसकी एक एक अदा से छलकता रहा खलूस, जब हमको एतबार की आदत नहीं रही। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।